प्रभु में सभी भाई बहनों को मैं सलाम कहता हूँ, जो शालोम का हिंदी शब्द है, और प्रभु में सबों को इस संध्या काल में अभिवादन। आमीन। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि आज शाम के वक्त में मैं कुछ बातों के ऊपर आपके संग विचार करूंगा। और मैं भाई मिश्रा का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि प्रभु के वचन से मैं कुछ बातों को आप सबों तक पहुंचा सकूं। मेरी सेवा जो है वो शिक्षा देने की है। पांच प्रकार की सेवाएं रखी गई हैं प्रभु के द्वारा कलीसिया में, और प्रभु ने मुझे शिक्षा देने के लिए एज ए टीचर, बाइबल टीचर, मैं वचन की बातों को सिखाता हूं। और इसलिए आज शाम के वक्त में मैं आपको 10 बातें बताऊंगा। मैंने सोचा कि मैं 10 बातों के ऊपर प्रकाश डाल पाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि मेरे पास 10 बातें हैं जो कि अंतिम समय के विश्वासी के जीवन में पाई जानी चाहिए। हम लोग अपने आप को अंत समय के विश्वासी कहते हैं, तो अगर हम अंत समय के विश्वासी हैं तो किस तरह से हम उन लोगों से भिन्न हैं या अलग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं और दिन दिन कलीसियाओं के सदस्य हैं, जैसे कि बहुत सी डिनोमिनेशनल चर्चेज हैं, मेथोडिस्ट हैं, सीएनआई है, पेंटिकॉस्टल्स हैं, बैप्टिस्ट हैं, रोमन कैथलिक्स हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं। उनके अपने तरीके हैं आराधना करने के, उनका अपना विश्वास है जो कि इस बाइबल के आधार पर वो मानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो उनसे भिन्न है। हालांकि एक ही बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर, एक ही बाइबल सब लोग पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल के पास भी यही बाइबल है, सीएनआई के पास भी यही बाइबल है, पेंटिकॉस्टल्स के पास भी यही बाइबल है, रोमन कैथलिक के पास भी यही बाइबल, लेकिन सब अलग अलग अपनी अपनी संस्थाओं में ये विश्वास रखते हैं कि उनकी संस्था बिल्कुल ठीक है और वो प्रभु के इच्छा के अनुसार उसकी आराधना करते हैं और प्रभु उन्हें पसंद करता है। लगभग सारी कलीसियाओं को ये आभास हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हम अंतिम समय के विश्वासी लोग इसको विशेष रूप से जानते हैं कि किस आधार पर हम इस बात को मानते हैं और किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम अंतिम समय में रहते हैं। अभी भाई ने जो आपके सामने गलतियों की पत्री से 14 के 1-7 पद तक पढ़ा था, मैं 7वें पद को ध्यान में रखना चाहता हूं। और 7वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, हम लोग वारिस हैं, स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। कैसे हैं? यहाँ तो
बाइबल बता रही है कि तुम पुत्र हो, लेकिन हम पुत्र कैसे ठहरे? इसका भी उत्तर हमको मिलना चाहिए, और इसका उत्तर हमें मिलता है इसी गलतियों की पत्री में, उसके में और उस छठवें और नौवें और अंतिम पद में। यहां देखें क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। सो ये कि जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम की संतान है। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं, और वो आशीष क्या है इसके अंतिम पद में हमको मिलता है, जिसको हम कहते हैं गलतियों का तीसरा अध्याय और 29 पद। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Amen. हम इब्राहिम की संतान हैं। विश्वास के आधार पर हम इब्राहिम की संतान हैं, और इसलिए हम इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस भी हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हम किस समय में रह रहे हैं और आचरण कैसा होना चाहिए और हमारा विश्वास क्या है, हम बाइबल को किस रीति में बाइबल को कैसे समझते हैं, ये बिल्कुल भिन्न है किसी भी स्थायी मंडलियों से। हमारा आउटलुक जो है, हमारा दृष्टिकोण जो है, वो बिल्कुल अलग है। और आज शाम को मैं आपको ये 10 बातें बताना चाहता हूं जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी के लिए लागू होती हैं। विश्वासी लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, मेथोडिस्ट भी अपने आप को मसीही कहते हैं और दूसरी संस्थाई मंडली भी, लेकिन हम कोई संस्था नहीं है। अंतिम समय का विश्वासी कोई संस्था नहीं है। दिस इज नॉट ए डिनोमिनेशन। ये सबको मालूम होना चाहिए। और हमारी 10 विशेषताएं हैं जो मैं आपको पहले इंग्लिश में बताऊंगा और उसके बाद हिंदी में, और उसके बाद एक एक करके उन सबों के पर हम विचार करेंगे और हम देखते हैं हम कहाँ तक आज इस बात को समाप्त कर सकते हैं। और अगर प्रभु समय और देगा तो मैं बात को इन बातों को समझाऊंगा और बताऊंगा। पहली विशेषता जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी की है वो ये है कि वो अपने विश्वास का एक आधार निर्धारित करता है। हर एक कलीसियाओं के अपने अपने नियम कानून है और हर कलीसियाओं के अपने विश्वास के तरीके हैं, लेकिन अंतिम समय का विश्वासी जो है वो परमेश्वर के वचन को ही अपने विश्वास का आधार मानता है। ये पहली विशेषता है कि वो बाइबल को ही अपने विश्वास का आधार मानता है। He acknowledges the Bible as the sole authority to determine the Christian faith. ये तो सब कहेंगे, हम भी मानते हैं बाइबल, मेथोडिस्ट भी कहेंगे, CNI वाले भी कहेंगे और सभी डिनोमिनेशन के कहेंगे, तो हमारा अंतर क्या हुआ? वो भी मानते हैं कि बाइबल हमारा आधार है और हम भी मानते हैं कि बाइबल हमारा आधार है, लेकिन साथ साथ
उनके पास और भी कुछ बातें हैं जो कि हमारे पास नहीं है और हम उनको नहीं मानते, जैसे परब त्योहार। ब्यूटीफुल वो उनके उनके विश्वास का अंग है, परब त्योहार भी मनाना है, जन्मदिन भी मनाना है। हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं 20 दिसंबर को, फिर आता है गुड फ्राइडे, फिर आता है ईस्टर, ये सारे हमारे त्योहार हैं, हम सब मनाते हैं। लेकिन जब बाइबल हमारा विश्वास का आधार है तो हमें ये देखना चाहिए कि बाइबल हमें इसके विषय में क्या शिक्षा देती है। बाइबल में मुझे कहीं क्रिसमस नहीं दिखाई देता, बाइबल में मुझे कहीं गुड फ्राइडे नहीं दिखाई देता, बाइबल में मुझे कहीं ईस्टर नहीं दिखाई देता। ये नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, हम पापों के लिए बलिदान हुआ है और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा, लेकिन ये त्योहार के रूप में हम इसे नहीं देखते बाइबल के अंदर। और पहली कलीसिया जो थी उसमें ये मुख्य विषय था कि वे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही। अगर हम प्रेरितों के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें वहां मिलता है कि चेलों ने इस बात का निर्णय किया कि भाई यहूदा तो हमें गिना गया और अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो अवश्य है कि उनमें उसके स्थान को किसी के द्वारा भर दिया जाए कि वो हमारे साथ यीशु मसीह के जी उठने का गवाह बन जाए। तो ये मुख्य विषय था पहली कलीसिया में, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। लेकिन हम जब अंतिम युग में हैं, अंतिम युग से मतलब यह है कि कलीसियाई काल जो हम लोग जानते हैं, जिसको 7 चर्च एजेस के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे प्रकाश वाक्य की पुस्तक में 2 और 3 अध्याय में पाया जाता है, ये कलीसिया के इतिहास को बताता है। जब से कलीसिया स्थापित हुई पेंटिकॉस्ट के दिन से, जब 120 जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे, तो लगभग 16 भाषा के लोग जो भक्त यहूदी थे विभिन्न देशों से पेंटिकॉस्ट का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में एकत्रित हुए थे, और उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या नई मदिरा के नशे में है। और सचमुच में वो नई मदिरा के नशे में तो थे, लेकिन वो मदिरा क्या है उनको मालूम नहीं। Amen, amen, right. इसलिए पत्रस ये कहता है, हे भाइयों, अभी तो पहर भर ही दिन चढ़ा है। Right. पहर भर का मतलब क्या हुआ? ये 12 घंटे का दिन जो है 4 पहर में बांटा गया है और 1 पहर 3 घंटे का होता है। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर हुआ, 9 बजे से 12 बजे तक 2 पहर हुआ, और 12 से 3 तक तीसरा पहर हुआ, और चौथा पहर जो है वो 3 से 6 बजे तक, और इसी प्रकार से रात भी 4 पहरों में बांटी गई है, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। और जब चौथा पहर आता है सुबह का 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, तो सूरज उदय हो जाता है। तो पत्रस कहता है, भाइयों, अभी तो पहर भर ही दिन चढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि अरे अभी तो सुबह के 9 बजे है। Right. और सुबह 9 बजे कौन चढ़ाता है भाई? 9 बजे तो कोई पीता नहीं है। पीने का समय तो शाम का होता है, जब आदमी काम से थक करके आता है,
तो कुछ चढ़ा लेता है जिससे कि उसको कुछ आराम पहुंचे और वो अपने थकावट को भूल जाए। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 बजा है, तो 9 बजे तो ये होना नामुमकिन है। Right. लेकिन ये इसलिए है कि तुम जानो कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह भी ठहराया। ये है हालेलुया 2:36, क्योंकि पत्रस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, और जो यीशु तुम्हारे पास आया था तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, वही प्रभु भी है और वही मसीह भी है। जब उसका जन्म हुआ था तो उसको एक नाम दिया गया था और वो नाम था यीशु, क्योंकि स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा मत्ती के 1:21 में, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अपने लोगों सबका नहीं, और यही चीज जो है आज हमें समझना है कि हम कौन हैं, क्या हम उसके हैं या नहीं हैं। सारी दुनिया परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, सारा ब्रह्मांड उसके द्वारा बनाया गया है, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो उसके अपने लोगों की हैं, और उनको जानना हमारा कर्तव्य है। और हम अपने विषय में जाने कि हम हैं कौन, क्या हम उससे हैं या नहीं है। यदि आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे और उसके 13 को पढ़ेंगे तो वहां 7 दृष्टांत बताए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से स्वर्ग के राज्य के विषय में कहा है। स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर का राज्य, इन दोनों में अंतर क्या है? हालांकि ये एक्सप्रेशन जो है स्वर्ग का राज्य केवल मत्ती के अंदर पाया जाता है, लेकिन मत्ती ने परमेश्वर के राज्य के विषय में भी बताया है। जब यीशु मसीह को दोष लगाया जा रहा था कि ये तो बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया था कि यदि मैं बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका घर कैसे कायम रहे, कैसे बना? और इसलिए तुम ये जान लो कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, और जब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं इन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। मरकुस में और लूका में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, लेकिन जब स्वर्ग का राज्य का वर्णन हमको मत्ती के 13 में मिलता है, वो एक डिस्पेंसेशन है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड जिसके बीच में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया गया। ये टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड जो है कलीसियाई काल है, 7 कलीसियाई काल, यानी कि एफेसस, स्मरना, पर्गमस, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लाओदीकिया, ये 7 कलीसियाएं हैं जो कि लगभग 2000 साल से अन्य जातियों के लिए फोर्स में है,
और अब तक वो समय चल रहा है। इसको कहते हैं ग्रेस पीरियड या अनुग्रह का समय। और मैंने ये बताया है पहले भी, शायद आपको ना बताया हो, लेकिन मैं आज आपको भी बता देता हूं कि ब्रदर ब्रानम की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर ने सारे जगत को, सारी दुनिया को दो भागों में बांट रखा है। ये दो भाग जो हैं, एक तरफ तो इसराइल है जो जिसको परमेश्वर के लोग कहते हैं, परमेश्वर की प्रजा कहते हैं, और उनको दास की संज्ञा दी गई है। अगर आप यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ेंगे, उसके 43 अध्याय में, 44 अध्याय में और बहुत से और स्थानों में, तो उनको दास की संज्ञा दी गई, तू मेरा दास है। लेकिन हमें और आपको पुत्र की संज्ञा दी गई। आमीन। पुत्र है, हम दास नहीं, हम पुत्र हैं। और अगर पुत्र हैं तो क्यों पुत्र हैं? क्योंकि हम इब्राहिम के वंश के हैं, और इब्राहिम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और हमने भी विश्वास किया है, इसलिए हम इब्राहिम के वंश के हुए, और जब वो वारिस है तो हम भी उसके साथ वारिस हो, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। अब मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये सात जो दृष्टांत बताए गए हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में, जो लगभग 2000 साल तक चलता है, और पहली कलीसिया से आरंभ करके, यानी कि एफेसस की कलीसिया से आरंभ करके, ये लाओदीकिया मंडली का जो सातवां कलीसियाई काल है, और अब हम लोग सातवीं कलीसियाई काल के अंत में पहुंच चुके हैं। ये अंत जो है कब खत्म होगा? प्रभु यीशु मसीह के आने पर खत्म हो जाएगा, यानी कि जिस दिन कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, जिस दिन कलीसिया का समापन हो जाएगा और मत्ती का 25वां अध्याय पूरा हो जाएगा। मत्ती के 25 अध्याय में 1-11 में आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, और वो है 10 कुंवारियों का, कि 10 कुंवारियां जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट, दूल्हे के आने की बाट जो रही थी, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये थी, शर्त ये थी कि उनके दिए जलने चाहिए, दिए में तेल होना चाहिए। और दसों को ये बात मालूम थी कि हमारे पास दिया होना चाहिए और दिए में तेल होना चाहिए, लेकिन बाइबल बताती है कि उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमानों ने तो इतना तेल लिया कि वो रात भर जल सकता था, क्योंकि रात का अंधकार जो है वो दिए से, दिए के प्रकाश से दूर हो जाता। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने कहा कि भाई दुल्हा तो शाम को आ जाता है, ये तो हमारी रीति है, आप ये ईस्टर्न कल्चर में पाया जाता है कि अक्सर शादियां जो होती हैं वो रात में होती, चाहे हिंदू लोगों की शादियां हो, चाहे मुसलमान भाइयों की शादियां हो, रात में शादियां होती हैं और दूल्हे के आने का समय शाम को होता है, ये ईस्टर्न कल्चर है। हाँ, हमारे क्रिश्चियनिटी में शादी जो है रात में नहीं हो सकती, हमारी शादियां दिन में ही होती हैं, लेकिन ये कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से दूल्हे के आने का समय शाम का है। अब देखिए उनकी अपनी बुद्धि काम कर रही है कि भाई अगर थोड़ा सा तेल ले लिया जाए तो जब तक दूल्हा आएगा तो तब तक हमारे दिए जलते रहेंगे और हम दूल्हे के साथ चले जाएंगे। लेकिन दूल्हे ने आने में देर कर दी,
सो राइट। अरे भाई 6 बजे तक तो दूल्हे को आ जाना चाहिए था, दूल्हा नहीं आया, 7 बज गया, 8 बज गया, दूल्हा नहीं आया, 9 बज गया, दूल्हा नहीं आया, और अब इनकी मशालें बुझने लगी। ओह नाइस। जो मूर्ख कुमारियां थी उनकी मशालें बुझने लगी। अब वो तेल की तलाश में बुद्धिमानों से कहती कि अपने तेल में से मुझे तो हमें थोड़ा सा तेल दो जिससे कि हमारे दिए जलें। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नहीं देंगे, जाओ बेचने वालों के पास से खरीद लाओ, क्योंकि अगर हम दे देंगे तो हमारे दिए भी बुझ जाएंगे। राइट। तो हमारा दिया है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ी उपदेश में जो मत्ती का 5, 6 और 7 अध्याय है उसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को उजाला मिलता है। Right. Amen. वैसे तुम्हारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। तो हमारे पास जगत की ज्योति कहां से आएगी, हमारे अंदर कहां से ज्योति आएगी? जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं है तब तक हम कैसे अपना प्रकाश जगत में दे सकते हैं? ये ज्योति है क्या चीज? अगर आप यूहन्ना रसूल सुसमाचार पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले 4 पद देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये साथ शब्द जो है ये त्रिएक परमेश्वर की धारणा को बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम दूसरी जगहों से देखेंगे, यूहन्ना के 14 अध्याय से, तो हमको मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। राइट। वचन परमेश्वर में था, और जब वो में है तो साथ हुआ। अगर परमेश्वर का वचन में है, परमेश्वर में है तो उसके साथ है। आमीन। लेकिन अगर साथ है तो में नहीं है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? यस। अगर में है तो साथ भी है, लेकिन अगर साथ है तो में नहीं है। करेक्ट। नहीं समझ में आई बात? जैसे कि 10 लोग खड़े हैं और उसके बीच में एक व्यक्ति है जिसको हम संबोधित करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बीच में खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, वो किसी के अंदर नहीं है, वो बाहर खड़ा है लेकिन साथ में है। तो अगर वचन परमेश्वर के साथ में है तो वो उसके बाहर है, अंदर नहीं। ये हमको समझ में आता है ट्रिनिटी के आधार पर कि परमेश्वर के साथ था लेकिन वो परमेश्वर में था। तो उसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर में था। Yes. और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और 4th पद में क्या लिखा, इसको ध्यान से देखिए, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ये है Beautiful. ये है ज्योति, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी।
और जब तक वो जीवन हमारे अंदर नहीं आ जाता तब तक हम जगत की ज्योति नहीं बन सकते। और प्रभु यीशु मसीह का ये कहना कि तुम जगत की ज्योति हो, वो बात पूरी नहीं होती। तो हम जगत की ज्योति इसलिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन अंग है। आमीन। और वो हमारे जीवन का अंग, वो हमारे जीवन का अंग कैसे बनता है? बाइबल के शिक्षा के आधार पर। अब यहाँ मेथोडिस्ट वाले भी कहेंगे, भाई हम भी तो बाइबल को मानते हैं, हम भी तो बाइबल के शिक्षा का प्रचार करते हैं, तो हम आपसे अलग कैसे हुए? जी हाँ, बिल्कुल अलग हैं आप, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आपका बपतिस्मा सही नहीं है। मेथोडिस्ट का बपतिस्मा सही नहीं है, सीएनआई का बपतिस्मा सही नहीं है, पेंटिकॉस्टल लोगों का बपतिस्मा सही नहीं, और बैप्टिस्ट चर्च जो कि अपने आप को मास्टर समझता है कि हम बपतिस्मे के जानने वाले हैं, और हमसे ज्यादा कौन जानता है बपतिस्मे के ऊपर। मैं एक समय का किस्सा आपको बताऊं कि कलकत्ते में एक बैप्टिस्ट चर्च है जिसको कि लोअर सर्कुलर रोड में, वो बहुत अच्छा चर्च है, और वहीं हम लोग का बपतिस्मा भी हुआ था 7 जुलाई 1978। तो वहां के जो उस समय पास्टर थे वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे बैप्टिस्ट चर्च के, और वो सिरामपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रह चुके थे। तो जब मैं थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ता था जबलपुर में, तो उस वक्त वो हमारे रजिस्ट्रार भी थे, लेकिन अब मैं पास्टर हो गया था, वो भी रिटायर हो करके लोअर सर्कुलर रोड चैपल के पास्टर थे। तो अक्सर मैं उनके पास जाया करता था एज ए फ्रेंड, उनके विजिट करता था, वो भी मेरे घर में आते थे। तो जब हम लोगों का बपतिस्मा होने का था तो मैंने उनके हाथ में एक ट्रैक्ट दिया, छोटा सा ट्रैक्ट था, अनटू व्हाट देन आर ई बैप्टाइज्ड, ये उसका टाइटल था, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ। और जब मैंने वो ट्रैक्ट उनके हाथ में दिया, वो अपने वरांडे में बैठे हुए थे, मैं भी उनके बगल में बैठ गया कुर्सी पे, और मैंने ये ट्रैक्ट दिया। मैंने कहा, डॉक्टर देवा साहब, उनका देवा साहब नाम था, डॉक्टर देवा साहब आप इस ट्रैक्ट को पढ़ना। हंसने लगे, क्यों हंसने लगे? और ये उनके शब्द मुंह से निकला कि तुम मेथोडिस्ट चर्च के होकर के तुम हमको सिखाने चले हो बपतिस्मा, तुम मेथोडिस्ट के हो और तुम हमको सिखाने चले हो बपतिस्मा, जो हम लोग का नाम ही है बैप्टिस्ट, हम तो ज्यादा बपतिस्मे के बारे में कौन जानता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, सरकास्टिक वे में कहा थैंक यू वेरी मच। हमने कहा, डॉक्टर देवा साहब अगर आप इस ट्रैक्ट को पढ़ेंगे ना तो आपके जेन्युइन थैंक यू आपके मुंह से निकलेगा, जेन्युइन थैंक यू निकलेगा, ऐसे थैंक यू नहीं बोलेंगे आप जैसे अभी आपने बोला। कहने लगे, क्या ऐसी बात है? हमने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। तो कहने लगे, हैंग हो गया ब्रदर, थोड़ा सा रुक जाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, अभी वो खत्म हो गया, किसी ने कॉल किया था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कट दिया गया। तो मैं वहां बैठा रहा, और जब उन्होंने पढ़ के खत्म किया तो एकदम से बोल उठे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, कैसे नहीं हो सकता है, आप तो कह रहे थे कि आप बपतिस्मे के ऊपर बहुत कुछ जानते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि ये गलत तरीका क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, और पौलुस के अनुसार
इफिसियों का 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसके 4, 5 और 6 पद, ये 3 पद याद रखिए, 4, 5 और 6, इफिसियों का 4 अध्याय, 4, 5 और 6, यहां 7 बेसिक फाउंडेशन है जो मसीही विश्वास की है। 7 बातें हैं जो कि मसीही विश्वास की फाउंडेशन या उसकी नींव कही जा सकती है। हमारे विश्वास का घर इन 7 बातों के ऊपर आधारित होना चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा कि एक अंतिम समय का विश्वासी जो है वो केवल बाइबल को ही अपने विश्वास का आधार मानता है, कुछ और नहीं। यहाँ पर 7 बातें क्या लिखी हैं? सारी बातें एक 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 करके हैं। यहाँ लिखा है एक ही देह है, यानी प्रभु की एक ही कलीसिया है, लेकिन यहाँ तो हजारों डिनोमिनेशन दिखाई दे। कौन सी कलीसिया है प्रभु की? क्या मेथोडिस्ट है प्रभु की कलीसिया? क्या सीएनआई है प्रभु की कलीसिया? क्या रोमन कैथलिक है प्रभु की कलीसिया? कौन सी कलीसिया? अरे इनमें से कोई नहीं है। प्रभु की कलीसिया के अपने गुण हैं, अपनी विशेषताएं हैं, और जब तक वो विशेषताएं आपके अंदर नहीं होंगी आप प्रभु के देह नहीं हो सकते। तो यहां लिखा है कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, और तुम जो बुलाए गए थे तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। ये 3 बातें हुई, एक देह, एक आत्मा और एक आशा। 4थी बात क्या है? एक ही प्रभु है। 5वीं बात, एक ही विश्वास है, विश्वास भी एक ही है। और यहां तो 50 किस्म के विश्वास दिखाई दे। और 6वीं बात क्या है? एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। बाइबल में केवल एक बपतिस्मा है। आमीन। और 7वीं बात जो है, एक ही परमेश्वर है, दो नहीं है, 3 नहीं है, एक ही परमेश्वर है। ये 7 विशेष बातें हैं जो कि हमारे मसीही विश्वास का आधार हैं, और हमारा मसीही विश्वास का घर इन 7 बातों पर बंधा हुआ है। इस मायने में हम अन्य डिनोमिनेशन के लोगों से अलग है। वो दावा तो कि हमारा विश्वास का आधार बाइबल है, और हमारा बपतिस्मा भी यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हुआ। आमीन। भाई यीशु मसीह की आज्ञा को आपने समझा है कि नहीं समझा है, ये चीज आज जांच लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार आपका बपतिस्मा हुआ होता, जो नहीं हुआ है, तो वो हमारे बपतिस्मे के साथ मेल खाता, क्योंकि एक ही बपतिस्मा है। लेकिन आपका बपतिस्मा तो अलग है। आप कहते हैं कि हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। अरे भाई, यीशु मसीह की आज्ञा को रिपीट करने से, दोहराने से बपतिस्मा थोड़े हो जाता है। वो तो यीशु मसीह की आज्ञा है। अरे आज्ञा का मतलब हुआ कि आपको आज्ञा का पालन करना है। आपने आज्ञा का पालन तो किया ही नहीं। मत्ती के 28 अध्याय के 18 पद में यीशु मसीह कहता है, तब यीशु आया और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस आयत के ऊपर ध्यान कीजिए थोड़ा। यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये देख लीजिए, त्रिएक परमेश्वर के विश्वास करने वालों, ये आपके सामने बहुत बड़ा सवाल है। अगर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग-अलग व्यक्ति हैं, तो ये 100% कह रहा है वो गलत बात है।
उसको तो सिर्फ 33% कहना चाहिए, क्योंकि तीन है तो 33, 33 और एक को 34 मिलेगा, तब जाके 100% होता है। लेकिन वो कह रहा है कि 100% मेरे पास है, और अगर 100% अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे पास है तो पिता के पास कितना बचा? 0। पवित्र आत्मा के पास कितना बचा? 0। समझ में आ रही बात? आपने बपतिस्मे को समझा नहीं, यीशु मसीह के कमांडमेंट को समझा नहीं। और तब यीशु मसीह कहता है 18वीं आयत के बाद 19वीं आयत में, वो कहता है इसलिए तुम जाओ सारी जातियों को चेला करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम से ये चीज वो समझ नहीं पाते हैं कि नाम क्या है। एक भाई हमारे चर्च में आते थे, बहुत पहले की बात है, 85-86 की, वो डॉक्टर मनी नाम था उनका। वो आते थे हमारे चर्च में बैठते थे, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, चले गए यहाँ से, शिफ्ट होके बॉम्बे अपने बच्चों के पास चले गए, तो फिर वहां से प्रभु के पास चले गए। तो मैंने जब ये प्रचार किया अपने चर्च में तो वो कहने लगे कि पिता का नाम क्या है। मैंने कहा पिता का नाम नहीं जानते हैं कि नहीं, पिता का नाम कहाँ है बाइबल में? कहा हमने कहा तो यीशु मसीह ने झूठ बोला क्या? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 17 अध्याय में उसके 6 पद में पढ़िए, तो वहां क्या लिखा? हे पिता मैंने उनकी रक्षा उस नाम से की है जो तूने मुझे दिया है। इसको बाइबल में देखें कि किस प्रकार से लिखा। 6वां, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। अब 11वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ, 11वें पद में वहां लिखा हुआ है मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। कौन सा नाम उसने मुझे दिया? अरे जो नाम पिता का है वही नाम पुत्र का है। जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी ना ही एक, एक ही नाम है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक ही नाम है। और अगर तीन होते तो वहां हिंदी की भाषा के अनुसार नाम नहीं होता, ये एक वचन है, नाम एक वचन है, वहां होता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो। नाम का नामो हो जाता तब हिंदी भाषा के अनुसार वो व्याकरण ठीक होता, वो सेंटेंस ठीक होता, राइट। लेकिन इसी ने कहा एक वचन, यानी कि नाम से जो व्यक्ति ये तीनों उपाधियां रखता है, स्वर्ग में वो पिता कहलाता है, पृथ्वी पर वो पुत्र बना, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर। इफिसियों 4:6 के अनुसार एक ही परमेश्वर है। बहुत से और स्थान है जो हमको बताते हैं कि परमेश्वर एक ही। की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही परमेश्वर है। आज यहोवा विटनेसेस वाले कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र जरूर है वो, लेकिन ये वही परमेश्वर है जो पुत्र का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। पहला तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ। पहला तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और उसका 16 पद,
ये स्क्रीन पर आने से मैं आपके सामने पढ़ के बता दूंगा। ब्यूटीफुल। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग में उसकी संज्ञा पिता की है, पृथ्वी पर वो पुत्र बना। Yes. और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में। आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें एक बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, वो बपतिस्मा। Yes. जब तक आप उस बपतिस्मे को नहीं लेते, आपके अंदर वो प्रकाश नहीं आएगा और आप जगत की ज्योति नहीं बन सकते। कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। वो दिया क्या है? हमारे पास दिया कहाँ है? कौन सा दिया जल रहा है? नीति वचन का 20वां अध्याय और उसके 27 पद को देखें कि हमारा दिया क्या है। नीति वचन 20:27 Lamb of God। जैसे स्क्रीन पर आएगा मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। हमारी आत्मा जो है वो यहोवा का दीपक है। Yes, amen. Yes. दीपक जलना चाहिए। It's the candle of the Lord. हाँ, ये इस दीपक में जब तक तेल नहीं होगा वो नहीं जलेगा, और तेल जो है वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा कैसे हम प्राप्त करें? आप पेंटिकॉस्टल लोगों के पास जाइए तो वो कहेंगे कि जब तक आप अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। हमारे घर में एक सेलोन पेंटिकॉस्टल के एक प्रीचर आते थे, ये 1985-86 की बात है, और मेरा बड़ा लड़का उस वक्त छोटा ही था, 12-13 साल का रहा होगा। तो उस वक्त उसने सुना कई बार हमसे, वो कहते थे कि आपने अन्य अन्य भाषाओं में बातें की कि नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो अन्य अन्य भाषाओं में बातें नहीं। तो फिर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना चाहिए? अरे आपको अन्य अन्य भाषाओं में बातें करनी, तब तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। मैंने कहा कि भाई ये आपके बाइबल में ऐसे ही लिखा क्या? हाँ भाई ऐसे ही है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि अन्य अन्य भाषाओं में वो लोग बातें कर रहे थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। लेकिन मैंने कहा पवित्र आत्मा पाने का तरीका क्या है ये बताइए। कि नहीं नहीं आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको जब तक आप अन्य अन्य भाषाओं में बातें नहीं करिएगा तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मेरे बेटे ने कहा कि अंकल जी मैं तो एक छोटा लड़का हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपका बपतिस्मा प्रेरित 2:38 के अनुसार हुआ? Beautiful. आपको तो पवित्र आत्मा मिला है, तो आपने क्या प्रेरित 2:38 के आधार पर बपतिस्मा पाया? तो सुनिए अब उनके बाइबल टीचर की बात। वो कहने लगे कि क्या लिखा है 2:38 में। उनको ये नहीं मालूम था कि प्रेरित 2:38 में क्या लिखा हुआ। उसने कहा आपके हाथ में बाइबल है, पढ़ के देख लीजिए। और जब उन्होंने खोल के पढ़ा तो उनके होश हवास उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, क्या ये गलत लिखा है यहाँ पर? ये क्या गलत लिखा है? नहीं नहीं ये गलत तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे गलत हो सकता?
उनकी दलील सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक जो है वो लूका के द्वारा लिखी गई थी। हाँ ठीक है, लूका के द्वारा तो लिखी गई थी, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या लूका के लिखने के कारण से ये बात गलत हो सकती है? तो अगर ये आप प्रेरितों की पुस्तक को नहीं मानिएगा तो ये भी जान लीजिए कि आप मरकुस के सुसमाचार को भी नहीं मानिएगा और लूका के सुसमाचार को भी नहीं मानिएगा, क्योंकि वो भी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं थे यीशु मसीह, मत्ती और यूहन्ना के थे, लेकिन मरकुस तो नहीं था राइट, और लूका भी नहीं था। और अगर ऐसी बात है तो पौलुस भी नहीं था, पौलुस भी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं था यीशु मसीह का, बहुत सुंदर। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और उसने 14 पुस्तकें लिखी हैं न्यू टेस्टामेंट की। तो प्रेरितों की पुस्तक आपके बाइबल से निकल गई, लूका का सुसमाचार निकल गया, मरकुस का सुसमाचार निकल गया, 16 किताबें निकल गई और बच गई 11। तो आपके पास आपके ये न्यू टेस्टामेंट है और आप इसको मानते हैं? ये कुफर बक रहे थे हमारे घर में बैठ के। मैंने कहा यहाँ से उठ के बिल्कुल चले जाओ, इस किस्म की बातें इस घर में मत करो। और पवित्र आत्मा पाने के लिए तुमको प्रेरित 2:38 के अनुसार बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बात कही गई है वहां 39 पद में, 36 पद में पत्रस ने कहा अब इसराइल का सारा घराना कान खोल के सुन ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। वो प्रभु है, सारी दुनिया का मालिक है, वही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही है प्रभु, वही है लॉर्ड, वही है यहोवा पुराने नियम का, वही है सब कुछ, वही है प्रभु, और वही तुम्हारा मसीह भी है। और तुम्हारे पास मसीह आया और तुमने मसीह को पहचाना नहीं और मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब जब इनको ये बात समझ में आ गई कि हमने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो 37 पद में लिखा है प्रेरित 2:37 में कि तब उनके हृदय छिद गए, राइट, उनके हृदय छिद गए, अरे हमने क्या कर दिया, हमसे तो ब्लंडर हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारा मसीह हमारे पास आया और हमने उसे पहचाना तक नहीं और हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और तब वो शेष प्रेरितों से और पत्रस से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें, गलती तो हो गई हमसे, राइट, कोई रास्ता है? Amen. पत्रस कहता है कि हाँ रास्ता है। और तब प्रेरित 2:38 आता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुमको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा, तब तुम जगत की ज्योति होगे। ऐसे जगत की ज्योति नहीं हो सकते, तब तुमको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा, तब तुमको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आज भी बुला रहा है। अगर आप मेथोडिस्ट में फंसे हुए हैं तो आपको निकलना है वहां से। अगर आप बैप्टिस्ट में हैं, आपको निकलना है वहां से। अगर आप किसी डिनोमिनेशन में हैं, आपको निकलना है। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य 18:4 कहता है, हे मेरे बच्चों उसमें से निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो दंड उसके ऊपर पड़ रहा है वो तुम्हारे ऊपर भी पड़े। दंड के भागी मत बनो। यस, स्वर्ग के राज्य में जाने की चेष्टा तो आप रखते हो,
लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपके विश्वास का आधार केवल बाइबल ही होना चाहिए, मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। और जो रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं उसको पौलुस कहता है गलतियों के 5:16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी करने ना पाओ। राइट, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो, और आत्मा 16 पद निकालो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यहां देखिए दो किस्म की चाल है, एक शरीर के अनुसार है और एक आत्मा के अनुसार, दो प्रकार की चाल। और आज दो प्रकार की कलीसियाएं हैं इस दुनिया के अंदर, एक प्रभु की देह है जिसको प्रभु की दुल्हन कहते हैं, और दूसरा जो है वो शरीर के अनुसार चलते हैं, यानी मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों को मानते हैं। वे परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते, वे अपने नियम कानून के अनुसार चलते हैं, अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं, और उसको पौलुस कहता है शरीर की लालसा। और शरीर की लालसा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य की ओर से। पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16 और 17 पद पढ़ेंगे, इसको मेहरबानी से स्क्रीन पर लाएं। पहला यूहन्ना 2:15, 16 और 17 पद यहां लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखिए संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा पहली बात, दूसरी बात आंखों की अभिलाषा। अरे भाई आंख भी तो शरीर का ही भाग है, लेकिन आंख को अलग बताया गया है यहाँ पर। आंखों की अभिलाषा से ही हवा ने पाप किया था, आंखों की अभिलाषा से जितने पाप हुए हैं सब आंख की अभिलाषा से हुए हैं। शरीर की अभिलाषा, सुख विलास, रुपया पैसा धन दौलत, दुनिया की ऐशो इशरत, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों बातें पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। और 17 पद, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। याद रखिए हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। पौलुस कहता है शरीर के अनुसार मत चलो, दुनिया के रीतियों के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। क्योंकि रोमियों का 8 उसके 14 पद में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेथोडिस्ट, सीएनआई, बैप्टिस्ट, लूथरन जो भी हैं, याद रखिए आप परमेश्वर के बेटे होने का दावा नहीं कर सकते, इसलिए कि प्रभु आपके अंदर नहीं है। और प्रभु आपके अंदर कैसे आएगा, आपको प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, बपतिस्मे के द्वारा पहनना है। गलतियों 3:27 क्या कहता है, स्क्रीन पर लाएं गलतियों 3:27। गलतियों का 3:27 पद,
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है तो मसीह को पहन लिया है। बाइबल में कहीं भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से न किसी का बपतिस्मा हुआ और न किसी दिया। लेकिन आज की कलीसिया कहते हैं कि हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ तुम सारी जातियों को चेला करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम पवित्र आत्मा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, तो क्या यीशु मसीह की आज्ञा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपने आज्ञा को समझा ही नहीं। वो कहता है नाम से दो। पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है। नाम क्या है? नाम तो आपने हटा दिया। और शैतान की ये चालाकी देखिए कि उसने नाम हटा दिया, टाइटल दे दिया। पिता टाइटल है, पुत्र टाइटल है, पवित्र आत्मा टाइटल है उस एक परमेश्वर का जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये वही आज्ञा है, ये वही आज्ञा है जो पौलुस ने, जो पत्रस ने प्रेरित 2:38 में कही है। एक ही चीज है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता और इसलिए आप गलत बपतिस्मे दे रहे हैं। और गलत बपतिस्मे दे करके आप अपने आप को क्रिश्चियन कहने का दावा करते हैं। गलत बात है। मसीह आपके अंदर नहीं है। मसीह को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। यहां मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा, इस आयत में थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। यहां हमारा हिंदी का ट्रांसलेशन जो है ये इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन से ट्रांसलेट किया गया, लेकिन जो हमारे ट्रांसलेट करने वाले भाई लोग थे वो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग, उनको ये प्रकाशन नहीं था और इसलिए उन्होंने ट्रांसलेशन में कहीं कहीं थोड़ी भूल की है। जैसे कि मलाकी के 4:5-6 में भूल है, वहां पितरों की जगह पर माता पिता लिख दिया गया, बालकों की जगह पर गलत है। शारीरिक माता पिता से वहां अर्थ नहीं है। राइट शारीरिक माता पिता से और बच्चों से संबंध जो है वहां ये अर्थ नहीं है। वहां आत्मिक हमारे पूर्वज जो हैं उनसे हमारा संबंध है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमारा हृदय हमारे पूर्वजों की तरफ ले जाएगा। आमीन। हाँ ये है। वहां माता पिता के साथ वहां कोई संबंध नहीं, वो तो माता पिता शारीरिक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेरित 2:38 में जो थोड़ी सी भूल है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो है ये इस प्रकार से होना चाहिए था, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों के मोचन के लिए। क्षमा की जगह पर क्या होना चाहिए? मोचन चाहिए। ये बंगाली भाषा में बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। उड़िया में भी वही है ब्रदर। उड़िया में भी है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर उड़िया में है और बंगाली में है तो वो करेक्ट ट्रांसलेशन है। हिंदी में थोड़ी सी भूल हो गई है, उसको हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। मोचन में और क्षमा में अंतर है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक को कहते हैं फॉरगिवनेस और दूसरे को कहते हैं रिमिशन। तो यहाँ रिमिशन शब्द जो है उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश में रिमिशन वर्ड आया तो उसका ट्रांसलेशन मोचन होगा, क्षमा नहीं होगा। right. क्योंकि क्षमा आपको पहले भाग में मिल चुकी है। इसके तीन भाग हैं। प्रेरित 2:38 के तीन भाग हैं। पहला भाग, इसको प्रभु यीशु मसीह ने चाबियां कहा था। पतरस को क्या कहा था? मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा, चाबी नहीं चाबियां दूंगा, एक से ज्यादा।
राइट, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा। और इसीलिए पत्रस पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा होता है और यीशु मसीह का प्रचार करता है और कहता है पहली चाबी जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप है, बिना पश्चाताप के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ये पहली चाबी है। राइट, दूसरी चाबी अपने पापों को धो देना है, साफ कर देना है, और उसके लिए यीशु मसीह का लहू चाहिए। यीशु मसीह के लहू के बगैर आपका पाप धुल ही नहीं सकता, किसी चीज से नहीं धुल सकता। और यीशु मसीह का लहू प्राप्त करने के लिए आपको रोमियों के 6:3 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यस, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। इसको मैं पढ़ के बता दूं आपको, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और आगे, और उसके आगे चौथा पद, हाँ हो गया चौथा पद नहीं, हाँ अब तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ये है बपतिस्मा, यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने में सम्मिलित होना ही बपतिस्मा कहलाता है। सुन लो आप लोग जो डिनोमिनेशन वाले हैं, यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने में सम्मिलित होना ही यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का अर्थ होता है। ग्लोरी ग्लोरी, आमेन। जब तक हम उसके मृत्यु में नहीं जाएंगे, उसके साथ गाड़े नहीं जाएंगे, उसके साथ जी नहीं उठेंगे, तब तक वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। oh, हमारे पाप नहीं धुलेंगे। पाप क्षमा तो हो गए, किसमें? जब आपने कन्फेस किया, मन फिराओ, और जब हम मन फिराते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 स्क्रीन पर लाएं, पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें, ये है पहली चाबी, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ हमको क्षमा मिल जाती है, क्षमा मिल गई। पहली चाबी में आपको क्षमा मिल गई, अब आपको क्षमा दूसरी चाबी में नहीं चाहिए, दूसरी चाबी में आपको मोचन चाहिए। क्षमा हो गया, लेकिन अब उसको धो देना है, साफ कर देना है। पुराने नियम में क्षमा थी लेकिन मोचन नहीं था। करेक्ट, आमेन। पुराने नियम में क्षमा थी लेकिन मोचन नहीं था। जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहा तब तक पापों का मोचन नहीं हुआ था, और इसीलिए जब यीशु मसीह का लहू बहा तो मत्ती के 27 में पढ़ के देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है कि तब कब्रें खुल गईं और पुराने नियम के जो संत लोग सो रहे थे जी उठे, और उसके कब्र में से निकलने के बाद वो भी निकले और बहुतों को दिखाई दिए। क्यों? अभी तक कब्र में क्यों सो रहे थे? उनके पाप बने हुए थे, धुले नहीं थे, क्षमा हो गए थे लेकिन धुले नहीं। तो क्षमा भी जरूरी है और धोया जाना भी जरूरी। आमेन, आमेन। ब्यूटीफुल। हमारे पाप क्षमा भी होने हैं और उसको धोया जाना भी जरूरी है,
और जब धुल जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। गंदी जगह में पवित्र आत्मा नहीं आएगा। राइट, प्रेज द लॉर्ड। है तो हमें अपने जीवन को साफ करना है, उसके लहू से धो देना है, और यही है तरीका पवित्र आत्मा प्राप्त करने का। अन्य अन्य भाषा बोलने का नहीं, जैसे पेंटिकॉस्टल भाई लोग बोलते हैं कि जब तक आप अन्य अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, अपने पापों से मन फिर आइए, चाबी नंबर एक। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए, चाबी नंबर दो, जिससे कि आपके पाप धुल जाएं, आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और तब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा, और तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाएंगे, तब आप वारिस हो जाएंगे, जो कि गलतियों के 4 अध्याय के 7 पद में हमने पढ़ा था। हम पुत्र हैं, और अगर पुत्र हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके वारिस भी हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, रैप्चर में जाने के लिए तैयार। लेकिन रैप्चर में कैसे जाएंगे जब तक हमारे पाप बने हुए हैं, हमारा बपतिस्मा सही नहीं है, हम अभी पर्व त्योहारों को मना रहे हैं और अपने रीति रिवाजों पर रखे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये रीति रिवाज रखने वाले लोग, ढोंगी लोग, इनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कपटी शास्त्रियों, एक कपटी फरीसियों। कपटी शब्द का प्रयोग किया है मत्ती के 23 अध्याय में यीशु मसीह ने। वो 1 रुपया का धनिया खरीदेंगे तो उसका भी 10वां हिस्सा देना जानते थे, इतने वो अपने अपने अपनी बाइबल को जानते थे, अपने पुराने नियम को, कि हमको 10वां अंश देना है। और आज हमारे बीच में लोग 10वां अंश देना जानते ही नहीं, चोरी करके बैठ जाते हैं। अरे परमेश्वर के साथ ईमानदार बनो, ग्लोरी, ईमानदार बनेगा। ये मत समझो कि उसको किसी बात की कमी और घटी है, नहीं, कोई कमी और घटी नहीं है, लेकिन वो हमारे मनों को जांचता है और देखता है कि हमारा मन उसके संग सीधा है या नहीं है, क्या हम उसके संग ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आज हमारे विश्वास का घर क्या है, क्या बाइबल हमारा आधार है या नहीं, क्या रीति रिवाज है। आखिरी आयत दूंगा और वो है रोमियो का 8वां अध्याय 1वां पद। यहां लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ग्लोरी, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार, यानी कि अपने रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलते, परंतु परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते। ओ, हालेलुया, ग्लोरी। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मेरा सवाल यह है, अगर ये कलीसियाएं आत्मा के अनुसार चल रही हैं, तो प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में परमेश्वर इन्हें दंडित क्यों करता है, इसका कोई जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे। सारी कलीसियाएं दंड में हैं, वहां लिखा है, आ मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और उसकी बेटियां जो उससे पैदा हुई हैं उनको वेश्याएं कहा गया है। ये बाइबल की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। बाइबल कहती है उनको वेश्याएं हैं, वो महावेश्या है, माँ जो है महावेश्या है, और बेटियां जो है वेश्याएं। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, वो शरीर के अनुसार चल रहे, और शरीर के अनुसार जो चलेगा परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं। मैं बहुत सी बातों को बताना चाहता हूं, लेकिन आज समय तो नहीं है, हम आज यहीं समाप्त करेंगे। मेरी 9 बातें जो रह गई
क्योंकि मैंने बताया था कि आपको 10 बातें बताऊंगा, लेकिन अभी पहली बात के ऊपर ही इतना प्रचार हो गया, लेकिन प्रभु अगर और समय देगा हमको बाद में, Amen. मैं इन 9 बातों को भी बताऊंगा आपको। लेकिन याद रखिए, एक अंतिम समय के विश्वासी के विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन ही है और कुछ नहीं। मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज को नहीं मानता है। जो कुछ भी बाइबल के बाहर है सब मनुष्यों की रीति के अनुसार है, मनुष्यों की परंपरा के अनुसार है। यीशु मसीह ने इन कपटी शास्त्रियों से क्या कहा था? मत्ती का 15 अध्याय पढ़िएगा, तो वहां लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के चेले जो थे उनको भूख लगी थी, तो वो बिना हाथ धोए रोटी खाने लग गए। जब वो रोटी खाने लग गए तो चेले ये फरीसी और सदूकी यीशु मसीह से कहते, देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं, ये पुरानियों की रीति को क्यों नहीं मानते? अरे भाई, हाथ धो के रोटी खाना चाहिए, ये पुरानियों की रीति है, और ये तेरे चेले तोड़ रहे, क्या सिखाता है तू इनको? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? तुम भी तो अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी रीति से टाल देते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये है आपकी रीतियां, आपका क्रिसमस, आपका गुड फ्राइडे, आपका ईस्टर, और जने और कितने त्योहार आप मानते हो, कोई स्थान नहीं है बाइबल के अंदर उसका। और आज आप कहते हो कि आप क्रिश्चियन हो, क्या दावा है आपका क्रिश्चियन होने का, जब मसीह एब्सेंट है आपके जीवन, मसीह है ही नहीं आपके पास। और मसीह को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, और वो है प्रेरित 2:38। आमीन, बहुत बढ़िया। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों के पुस्तक पूरी पढ़ जाइए, एक भी बपतिस्मा नहीं मिलेगा वहां पर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया गया है, ही नहीं बाइबल के अंदर है ही नहीं। और आज सारी कलीसियाएं उसको मानती और कहती कि हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाइबल आपके विश्वास का आधार नहीं है, आपके विश्वास का आधार है मनुष्यों की बनाई हुई रीति और रिवाज। और जब रीति रिवाज मानोगे तो परमेश्वर का वचन निरर्थक हो जाएगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन से हट जाएगा, आप मसीह में नहीं हो। मसीह में होने के लिए आपको बाइबल को अपना आधार मानना होगा। यस यस, बाइबल को जब तक आप आधार नहीं मानते हो, मनुष्यों के रीतियों के अनुसार परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। एक उदाहरण और याद आ रहा है मुझे, मैं दे दूं और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। पहला सामुएल के 15 अध्याय में आप पढ़ते हैं जो इसराइल का पहला राजा था शाऊल, और परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि देख, मुझे याद आता है कि हम लेखियों ने तुम लोगों के संग बड़ा बुरा व्यवहार किया था जब तुम लोग मिस्र से चले आते थे, तो शाऊल को बोल जाकर के उनको मारने के लिए। तो शाऊल को बोला गया कि जाओ इनको मारो, ठीक है, गया मारा उनको। लेकिन मोटी मोटी गायें, बैल, भेड़ बकरियां सब पकड़ के ले आया, हाँ, और कैंप में रख दिया, करे ये यहोवा को भेंट चढ़ाई जाएगी। और जब सैमुएल आया तो पूछा कि क्या तूने परमेश्वर की इच्छा पूरी कर दी? हाँ हाँ कर दी, मार दिया सबको। अरे तो बीवी बच्चों को क्यों पकड़ के लाया? औरतों को तो मारा नहीं तूने, बच्चों को भी नहीं मारा, आ गया तो सबको मार दे और तू इनको बचा जाया, ये क्या बात? ये बिबियाने की आवाज कहाँ से आ रही है? बकरियां किसकी है? ये गाय बैल किसके हैं? अरे ये तो हम वहां से पकड़ के लाए हैं अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के। तो 22 पद में सैमुएल क्या कहता है? क्या परमेश्वर तुम्हारे बलिदानों का भूखा है? क्या वो तुम्हारे चंदे का भूखा है?
तुम्हारे टाइट का भूखा है, हैं? तुम सोचते हो कि टाइट देते हो तो बहुत बड़ा काम करते हो, वो तुम्हारे टाइट का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे बलिदानों का भूखा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से जितना प्रसन्न होता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहनों, बहुत राइट। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मैं यूहन्ना के 14:15 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यही है प्रमाण कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मनुष्यों के रीति रिवाज को नहीं मानते। और अगर रीति रिवाज को मानते हैं तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह पाखंडी कहेगा, हम भी उसकी दृष्टि में पाखंडी है, जैसे उसने फरीसियों और सदूकियों को कहा मत्ती के 23 अध्याय, एक करे तो हे सांप के बच्चों, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। यीशु मसीह के शब्द हैं, क्यों कहा उन, क्योंकि वो हैं, वचन के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, मनुष्यों के रीतियों के ऊपर है। अरे हमारे बाप दादों से चला आ रहा है तो हम उसको मान रहे हैं। तो बाप दादे तुम्हारे कौन थे, तो मूर्ति पूजक थे तो तुम भी मूर्ति पूजक बने हुए अभी तक। अरे मूर्ति पूजा छोड़ो, वचन में आओ, वचन को मानो। जिसका घर वचन के ऊपर पड़ेगा वो कभी गिरेगा नहीं। कौन यीशु मसीह के 7:21 में क्या लिखा है, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे होंगे जो आकर कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ निकाला, बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं लगाई, हाँ लगाया, जैसे भाई दिनाकरण की मीटिंग लगती है, हजारों लोग जमा हो जाते हैं वहां पर, क्या चंगाई चाहिए, क्या हमने तेरे नाम से चंगाई नहीं दी, हाँ किया तुमने, हम तो मानते हैं कि तुमने किया, क्या तेरे नाम से भविष्य द्वारे नहीं की, हाँ किया, क्या तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किया, हाँ किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरे पास से चले जाओ हे दुष्कर्म करने वालों, हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ। क्यों कहेगा प्रभु उनसे ऐसा, क्यों कहेगा, क्या यही हमारे ईमान का प्रमाण है कि हमने बहुत से बीमारों को चंगा किया, हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की, बीमार चंगे हो गए, और फिर भी हम स्वर्ग के राज्य के बाहर हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए हम क्या करें, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे, क्योंकि ये तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। आमीन। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये वचन हमें इस अंतिम समय के संदेश के द्वारा दिया है, और हम जानते हैं प्रभु कि ये फाइनल मैसेज है जो फाइनल एज को दिया गया है। इसके बाद और कोई दूसरा मैसेज आने वाला नहीं है, क्योंकि तूने अपने देह को तैयार किया है, तेरी दुल्हन तैयार है प्रभु, और दुल्हन और आत्मा दोनों कहते हैं प्रभु यीशु आ, हमारी यही आवाज है प्रभु की, हे यीशु आ, क्योंकि समय पूरा हो गया है, हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं प्रभु। और जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं पहना है, जिन्होंने अभी तक तुझमें बपतिस्मा नहीं लिया है प्रभु, तो उनके मनों को फेर, जिससे कि वह सच्चाई को देख सके, उनकी आंखों को खोल जिससे वो वचन की गहराई को देखें, उनके कानों को खोल जिससे कि वे तेरी आवाज को सुने प्रभु, और तेरे पीछे चले और तेरे बेटे और बेटियां बन जाए, जिससे वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाए, तेरे बेटे और बेटियां कहलाए, और जैसे इब्राहिम वारिस है वैसे हम भी वारिस हो जाएंगे। स्वर्ग पिता हम अपने आप को तेरे चरणों में डाल देते हैं, हम जैसे भी हैं
को हमें ग्रहण कर और हमसे अपने महिमा ले। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर बात करें। आमीन आमीन। भाई मिश्रा आपके हक हाँ। आमीन आमीन।